जय साईं राम दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और भले चंगे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम आपके साथ इवनिंग का रूटीन शेयर करेंगे और जो भी मैंने किया है आपके सामने इवनिंग और रात के समय का ही आपके साथ थोड़ा रूटीन शेयर करेंगे। और क्या करूँ, सुबह का तो वही डेली रोज का काम होता है, सुबह उठो, झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, ये सब काम होता है, नहाना धोना, फिर पूजा, फिर खाना, हाँ फिर ब्रेकफास्ट। अभी 2-3 दिन से मैं ब्रेकफास्ट बना नहीं रही हूँ, वो सीधा बोल देते खाना खा लेंगे, दूध बिस्किट ये चाय ले लेते हैं, ब्रेड वगैरह, तो इसी से थोड़ा पेट बढ़ जाता है, तो फिर खाना का क्योंकि थोड़ी देर में फिर हैवी चीज़ खा लो तो फिर भी बोलते हैं कि अब अभी खा लिया, अब कैसे खा लूँगा, तो पेट भरा भरा हुआ बैठा बैठा रहता है। ऑफिस का आजकल घर से चल रहा है ना काम, पहले ऑफिस जाते रहते थे तो मतलब थोड़ा घूमते रहते थे तो वो थोड़ा खाना पच जाता था, अब कहते हैं कि घर में ही है और खाना खा लिया, बस अपने ऑफिस का बैठे बैठे काम हो रहा है तो भूख नहीं लगती है, हमें तो बस थोड़ा सा बिस्किट और चाय दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। फिर बच्चा जो देखता है पापा का तो वो भी बोल देता, मम्मा मेरे को ये भी चाहिए, मुझे नहीं खाइए खाना है, तो फिर रुक जाते हैं। तो हमने कि ठीक है खाना एक साथ में खाना ही बन जाएगा, हमारा क्या आएगा, उनकी ऐसे ही फिर हमें कर लेते, अपने पेट के लिए क्या नाश्ता बनाऊँ, कोई लेडीज नहीं बनाती होगी अपने पेट के लिए, या बाद में एक दो रोटी मतलब कहते नहीं है कि कमी पड़ रही है, तो लेडीज कभी भी तो अपने लिए नहीं बनाती है, ना नाश्ता बनाए ना खाना बनाए, ऐसी है लेडीज़ों की आदत। तो बस यही था, चलो हम इवनिंग से आज आपके साथ अपना रूटीन शेयर करते हैं। आज मैंने अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हमने इवनिंग में बनाई हुई थी, ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ अच्छा नहीं बना पाया, तो हमने कि इवनिंग के समय शाम के समय नाश्ते में चाय और दूध के साथ ले लेंगे, तो ये सब बनाया था, तो हस्बैंड ने बहुत तारीफ करी थी और बच्चे ने भी अच्छे से खा लिया था, उसने भी बोला था बहुत अच्छा चीज़ बनाई मम्मा, बोल लेता ना इतना बहुत कह लेता है मेरा बच्चा, कोई हम देखावा नहीं बोल रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर देखना, अपने घर में ज़रूर बनाना, फिर कमेंट कर बताना, और कौन कौन बनाता है तो कमेंट कर बताना, और कैसी है रेसिपी आप कमेंट कर बताना। और चलो फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद वीडियो में ही चलो चलते हैं किचन में, आपको इवनिंग स्नैक बनाना बताते हैं। हाथ घुमा ऐसे, शाम का समय है यहाँ पर, गाना टीवी पर गाना लगा देते हैं, तो ये मेरा बेटा डांस कर रहा है, आप लोग भी अपने बच्चों को इसी तरह बिजी रख सकते हो। आज हम आपको मनो को बिस्किट बनाना चाट बनाना बताएंगे, ये खाने बड़े स्वादिष्ट लगते हैं, कोई मेहमान आ जाए तो आप झटपट से बनाकर खिला सकते हो। ये नमकीन बिस्किट है, एक बिस्किट ले लेना है, उसमें हमने यहाँ पर सारी सामग्री काट ली थी, और यहाँ पर एक बिस्किट के ऊपर टमाटर, प्याज, आलू बॉयल की हुई है, मटर वगैरह, चना हो तो वो भी डाल सकते हो, हमारे पास नहीं थी इसलिए नहीं डाले हमने। टमाटर, प्याज, खीरा और धनिया, मिर्च और नींबू और नमकीन, चाट मसाला और नमक, काला नमक, सफ़ेद नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, और आप इस तरह से ये सारे में कर लेती हूँ बिस्कुट को, और फिर इस तरह से आपको रख लेना है, फिर आपका दूसरा पल्ला भी इस तरह से सैंडविच टाइप की भी बना सकते हो। और ये मनो को बिस्किट चाट बनकर तैयार है, आप लोग भी बनाकर खाकर देखना, हम और लोगों को तो खाने में बहुत अच्छी लगी थी, हस्बैंड भी तारीफ कर रहे थे, बच्चे ने भी अच्छे से खा लिया था।
फिर यहाँ पर इवनिंग स्नैक खाने के बाद चाय दूध लेने के बाद यहाँ पर शाम के समय में बालकनी में बैठ जाती हूँ तो बच्चे को लेकर, जिससे बच्चा को भी मन अच्छा लगा रहे, क्योंकि लॉकडाउन है कहीं जा नहीं सकते। लॉकडाउन तो थोड़ा खुल गया है लेकिन बच्चे को लेकर अभी कोरोना काल में जा नहीं सकते हैं। ले गए, बालकनी में बैठ गए हैं, फिर हमें याद आ गई तो बच्चे का नैन काटना है कि हाथों में बच्चों की नैन क्लीन होना चाहिए, क्योंकि बच्चे मुंह में दे लेते हैं कहीं ना कहीं, हाथ लगाते रहते हैं, फिर धो देना चाहिए, क्लीन कर देना चाहिए। फिर यहाँ पर मैंने बच्चे की नैन काट रही हूँ, हाथ पैर के दोनों के काट रही हूँ। बच्चे के काटने के बाद मैं अपने काट लेती हूँ, और क्या है कि हमारे बच्चे की थोड़ी नैन बढ़ जाते हैं तो वो स्वयं बोल देता है कि मम्मा नैन नैन हमारे बढ़ गए, अब मेरे काट दो, तो मैं काट देती हूँ। इसी तरह आपको भी बच्चों का कर लेना चाहिए क्लीनिंग। फिर यहाँ पर मेरे बेटा अक्षत का पैंट फट गया था, नया पैंट है, फट गया है, उसको मैं सिल रही हूँ। आजकल ऐसे कपड़े आते हैं तो फट जाते हैं, देखिए वैसे निकल रहा है। चलो मैं इसको सिल लेती हूँ। बालकनी में बैठे उठनी बैठी हूँ, शाम के समय अच्छा लगता है ना, बालकनी में बैठ जाओ, या छत पर, यहाँ छत तो ये नहीं है और कोरोना चल रहा है तो कहीं जा भी नहीं सकते हैं, तो अपनी बालकनी में थोड़ी समय बैठ जाती हूँ। संध्या का टाइम हो जाता है तो संध्या करेंगे, और अपना रूटीन का जो काम होता है वो करना है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है अच्छी, अच्छा लग रहा है यहाँ बैठे बैठे। वीडियो यहीं तक का था, अगले ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग फिर जल्द लेकर आएंगे। आप लोग देखा करो, पसंद किया करो, सपोर्ट भी किया करो। एक इंसान ही है, इंसान इंसान के काम में नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा काम में। आजकल बुराई तो सब कुछ अपना लेते हैं, को अच्छा ही कोई नहीं अपनाता है, और सब लोग जी हम जैसे हमारा यूट्यूबर पर कोई है नहीं है तो हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, और जिसका यूट्यूबर पे है तो उसकी फैमिली के बोल देते हैं कि ये मेरी कोई रिश्ते नातेदार घर का ही सदस्य है, आप लोग उनका लिंक दे देते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, सब कुछ होता है। और जिसका है नहीं है तो आप लोग उसके उसको आगे नहीं बढ़ाओगे, उसका वीडियो नहीं देखोगे। प्लीज़ देखा करो, सबका साथ दो, सबका साथ सबका विकास, इसलिए मेरा भी साथ दो, मेरा भी सपोर्ट करो, मुझे भी आगे ले चलो। और वीडियो बनाती हूँ तो प्लीज़ मेरा भी सपोर्ट करा करो, सभी एक समान है आप लोग समझा करो, वो तो है ही, अच्छाई के साथ अच्छाई है। अपने हम कर्म कर मतलब कितने कर्म करते चले जाओ, फल की इच्छा मत करो, एक कहावत ही है। और इसलिए जैसे सबका साथ दे, सबका वीडियो देखते हैं, ऐसे मेरा भी वीडियो देख लिया करो, और मुझे भी आगे बढ़ाओ, मेरा भी सपोर्ट करो। चलो यदि आप चैनल पर नए हो तो प्रियंका गुप्ता के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक और शेयर कर देना, बेल आइकन बटन को ज़रूर बजा देना, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भी आपको वीडियो अच्छी चाहिए हो तो कमेंट में लिखकर बताना कि हम उसमें आपको वीडियो बना के भी डाल सकते हो, और आपको जो भी पूछना हो सो कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। चलो आज का ब्लॉग यहीं तक का था, बाय बाय।